हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो कंटिन्यूशन में जहां पर मैंने ऑलरेडी गेट 2020 का डिटेल सॉल्यूशन स्टार्ट किया था फ्रॉम बॉटनी सब्जेक्ट, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी कंप्लीट एक वीडियो बनाया जिसपे बायोकेमिस्ट्री का फुल सॉल्यूशन किया हुआ है, और दूसरा मैंने स्टार्ट किया था बॉटनी का सॉल्यूशन। तो बॉटनी का सॉल्यूशन में मैंने एक पार्ट वन पार्ट ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर वन से लेकर इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। तो ये वीडियो अब आज का वीडियो सेकेंड वीडियो होगा जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करूंगा। अच्छा, ये बॉटनी का और बायोकेमिस्ट्री का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और यहाँ पर इस बॉटनी का वीडियो नंबर वन जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व किया, इसका लिंक यहाँ आई सिंबल में भी आ रहा होगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई एम गोइंग टू अपलोड वन वीडियो लाइक सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर फ्रॉम गेट लाइफ साइंसेज और फ्रॉम गेट बायोटेक्नोलॉजी ऑन वेरी रेगुलर इंटरवल ऑन डे टू डे बेसिस। मोस्टली मैं हर एक दिन अपलोड करने की कोशिश करूंगा या मैक्सिमम एक दिन गैप करके अपलोड करूंगा जिसमें मैं डिटेल सॉल्यूशन मैं करूंगा गेट के प्रीवियस ईयर के एग्जाम का फ्रॉम लाइफ साइंसेस और फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और बॉटनी का वीडियो नंबर सेकंड शुरू करते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग आगे की तरफ सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है ग्रुप वन ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री आर रिप्रेजेंट एंजाइम प्रोडक्ट एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस रिस्पेक्टिवली। ये मैच द फॉलोइंग है, ग्रुप वन में एंजाइम है और इस तरफ उसके एंजाइमेटिक रिएक्शन है और यहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो हेक्सोकाइनेज हम लोग को मालूम है कि ये ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पर और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ये इसके पास मैच करेगा इस तरीके से पी सेकेंड एंड फर्स्ट। फ्यूमरेज जो होता है, फ्यूमरेज टीसीए साइकिल का है, तो ये टीसीए साइकिल के साथ में मैच करेगा और यहाँ पर फ्यूमरेज बनाता है प्रोडक्ट मेलेट, तो ये इसके साथ मैच कर गया। पीपी कार्बोक्सिलेज बनाता है और ये बनाएगा ऑक्सिलोसिटेट 4 कार्बन का प्रोडक्ट और ये फोटोसिंथेसिस में C4 प्लांट में यूज होता है। और ग्लाइक्सोलेट ऑक्सीडेज ये होगा हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज जो बनता है कहाँ, फोटो रेस्पिरेशन। तो चलिए अब आया था ऑप्शन पे पी का सेकेंड एंड फर्स्ट, पी का सेकेंड एंड फर्स्ट यहाँ और यहाँ दो जगह है। क्यू का फर्स्ट एंड थर्ड, क्यू का फर्स्ट एंड थर्ड ये सिर्फ है। आर का फोर्थ एंड फोर्थ, आर का फोर एंड फोर्थ ये है। एस का टू एंड सेकेंड ऑप्शन ये, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग इन करेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन ग्रुप वन एंड ग्रुप टू विथ रेफरेंस टू एजेंट दैट इंटरफेयर विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ओके, ये किस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है। तो साइनाइड क्या करता है, ये इनिबिट करता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। एक्टिनोमाइसिन ब्लॉक करता है साइटोक्रोम B2C1 ट्रांसफर को, ये एंड 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल ये अनकपलिंग करता है फॉस्फोरिलेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये। और तो एरोवर्टिन क्या करता है, ये इनिबिट करता है F1 कॉम्प्लेक्स को, और F0 कौन इनिबिट करता है, ओलिगोमाइसिन, ये भी समटाइम पूछ देते हैं ओलिगोमाइसिन। तो अब मैं अच्छा लेते हैं P का फोर्थ यहाँ और यहाँ है। Q का फर्स्ट एंड ये, R का सेकेंड एंड S का 3, आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिलेशन टू एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट मैच द फॉलोइंग इन करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इस तरफ जीन दिया हुआ और इस तरफ इसके फंक्शन दिए हुए हैं। ओके, ये तो नोड्यूल फॉर्मेशन का है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो पी वीर ए जो होता है ये रिसेप्टर की तरफ बिहेव करता है, रिसेप्टर जो सिग्नल सेल के अंदर कैरी करेंगे, ये सेल है तो यहाँ पर रिसेप्टर लगे होंगे, ये रिसेप्टर वीर ए होता है। जब इसमें सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करता है जैसे नोड फैक्टर बाइंड करेगा,
ये अंदर की तरफ एक्टिवेट हुआ। तो वीर एसिटोल सिरिंजोन रिसेप्टर, ये करेक्ट है। और जब ये एक्टिवेट होता है तो उसके बाद में अंदर की तरफ कुछ प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं और वो वीर जी होता है जो कि पूरे के पूरे नेक्स्ट फर्दर डाउनस्ट्रीम के जीन को अपरेगुलेट कर देगा। तो जीन इसके बाद में वीर एक्टिवेट होने के बाद में वीर जी एक्टिवेट होता है, ये इंड्यूस करता है ऑल वीर ऑपरॉन को ऑन कर देगा, स्विच ऑन। तो एस का फोर हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर क्यू का वीर भी क्या करता है, कंजुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन, ये ट्यूब फॉर्मेशन करता है, नोडल फॉर्मेशन अंदर की तरफ। और वीर डी वन ये करता है टोपोइसोमेरेज, ये टोपोइसोमेरेज की तरह काम करता है, यानी पी का फर्स्ट, पी का फर्स्ट, बी का टू, क्यू का टू, आर का थ्री एंड फोर। यस आंसर विल बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द प्लांट पार्ट ग्रुप वन एंड विद द प्लांट ऑब्टेंड इन ग्रुप टू इन द रिस्पेक्टिव प्लांट स्पीसीज, ग्रुप थ्री इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, इस तरफ प्लांट के पार्ट हैं, इस तरफ उनसे प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं और ये उनका स्पीसीज है। तो बार्क यहाँ पर आएगा एरोमेटिक, सिनामोमम जायलिनिकम, तो ये आंसर होगा थर्ड, ये वाला। लीफ उसके बाद में आएगा क्यू का फर्स्ट लीफ टेनिन से, और ये टेनिन होगा कैमेलिया सिनेंसिस, कैमेलिया सिनेंसिस। ये फ्लावर, फ्लावर आएगा यहाँ पर सैफ्रॉन, इसका बेस्ट एग्जांपल सैफ्रॉन, सैफ्रॉन इसका प्रोडक्ट है। और ये आएगा क्रोकस सेटिवा, ये तो हम जानते हैं क्रोकस सेटिवा क्लास 12 का है। फ्रूट, फ्रूट आएगा कॉडमिन, कॉडेनिन, और कॉडेनिन आएगा पेपर सोमनीफेरम। ये तो मैच कर लेते हैं, पी का फोर्थ एंड थर्ड, पी का फोर्थ एंड थर्ड, ये क्यू का फर्स्ट एंड टू, क्यू का फर्स्ट एंड टू, आर का सेकेंड, आर का सेकेंड और फोर्थ, आर का सेकेंड एंड फोर्थ, एस का थर्ड, थर्ड एंड फर्स्ट। यस आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैचिंग द डिजीज एंड कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड अफेक्टेड प्लांट, ये बॉटनी का फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ पर प्लांट का डिजीज आपको पढ़ लेना, खासकर फंगल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज, इससे क्वेश्चन रहता है। तो कुछ फंगल डिजीज दिए हुए इस तरफ, किस पे होता है और ये क्या डिजीज कॉज करता है। तो स्टेम रस्ट हमेशा पक्सीनिया कॉज करता है, पक्सीनिया, और ये होता है वीट में। वॉट डिजीज होता है सेनेक्टेरियम इडोबायोटिकम, और ये होता है पोटेटो में। टिक्का लीफ होता है सार्कोस्पोरा पर्सोनाटा, और ये होता है ग्राउंड नट, ठीक है। और डॉनी मिल्डो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोपोरा विटिकोला, और ये होता है ग्रैप्स में। तो मैच कर लेते हैं, पी का फोर्थ एंड फर्स्ट, पी का फोर्थ एंड फर्स्ट यहाँ है, क्यू का थर्ड एंड थर्ड, यस ये है क्यू का थर्ड, आर का फर्स्ट एंड सेकेंड, ये, और एस का सेकेंड और फोर्थ। यस आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग अल्कलॉइड विद देयर सोर्स ऑफ प्लांट इन करेक्ट कॉम्बिनेशन। इस तरफ अल्कलॉइड है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, यूज एंड सोर्स ऑफ प्लांट कहां से आया। तो यहाँ पर मॉर्फिन ये होता है एनर्जेटिक, एनर्जेटिक क्या होता है, जो कि पेन किलर होते हैं या फिर बॉडी का टेम्परेचर कम करेंगे, तो एनर्जेटिक कहते हैं, तो एनर्जिक की तरह काम करेगा। और ये ड्राइव होता है पेपर सेमनीफेरम से। क्विनोन जो कि एंटी मलेरियल होता है, ये एंटी मलेरियल होगा, और ये होता है चिंकोना ऑफिसिनेलिसिस, तो ये फोर्थ का फर्स्ट। ओके, एट्रोपिन ये होता है एंटी कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, और ये ड्राइव होता है हायोसैंथियम निगर से। और विन ब्लास्टिन एंटी कैंसरस से, और वो ड्राइव होता है कैथरस रोजेसस से। तो अब आ जाते हैं ऑप्शन पे, पी का सेकेंड और थर्ड यहाँ भी है, उसके बाद में सिर्फ यहीं पर, क्यू का फोर्थ एंड फर्स्ट, ये ठीक है, आर का हाइग्रोस्कोपिक, ये भी ठीक है, एस का फर्स्ट एंड सेकेंड, आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग इकोलॉजिकल टर्म विद देयर अप्रोप्रिएट डेफिनेशन। ओके, ये इकोलॉजी से क्वेश्चन है, निश
niche of the place of living organism in a biotic environment and its relation to food and animals. Correct. Then biotas, totality of organism of flora and fauna in a given place. So biotas jahan pe flora aur fauna given place pe ho. So the answer of course correct. Topical level, position of a species in a food chain. Ye correct hai. Habitat, physical environment of an organism. So match kar lete hain. यहाँ पे पी का सेकेंड, क्यू का फोर्थ, आर का फर्स्ट एंड एस का थ्री. यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एयर इज द फॉलोइंग वाटर रिजर्वायर ऑफ अर्थ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो वाटर रिजर्वायर सबसे ज्यादा ग्लेशियर में है, वहां आइस के फॉर्म में स्टोर है. ये सबसे ज्यादा होगा नंबर वन. उसके बाद उसके बाद कम होगा ग्राउंड वाटर अर्थ में, ये नंबर सेकंड पर आएगा. उसके बाद इसके बाद में नेक्स्ट जो वाटर है वो है लेक एंड इनलैंड सी में. यस, ये करेक्ट है, लेक और इनलैंड सी में इसके बाद होगा. और सबसे कम है स्ट्रीम में, जो रिवर के ब्रांचेस निकलते हैं उनको हम लोग स्ट्रीम बोलते हैं, इनमें सबसे कम रहता है. ये जनरली ड्राई हो जाते हैं ड्यूरिंग द समर सीजन. तो ये ऑर्डर होगा आर क्यू एस पी, आर क्यू एस एंड पी. यस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मार्कर एंड कॉरस्पॉन्डिंग जीन यूज इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग. सिलेक्शन मार्कर एंड जीन, कैनामाइसिन इसका डायरेक्ट होगा एनएमटी एनपीटी टू एंड हाइग्रोमाइसिन एचपीटी फोर, बायोप्लस दैट इज बार एंड पीएमआई मैनोस के लिए जाएगा. तो आंसर होगा पी फोर, देन क्यू फर्स्ट, पी फोर क्यू फर्स्ट. तो ये चाहिए क्यू आर टू, आर टू एंड एस थ्री. आंसर विल बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डबल होमोजाइगस म्यूटेंट डबल डेवलप ग्रीन एंड रिंकल सीड व्हेन इट इज क्रॉस विद ट्रू ब्रीडिंग प्लांट हैविंग येलो एंड राउंड सीड. ऑल एफ वन जनरेशन येलो एंड राउंड सीड आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ एफ वन, द कैलकुलेटेड परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट विद ग्रीन एंड रिंकल. ओके, यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट यानी डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? डोमिनेंट है यहाँ पर येलो एंड राउंड, ये डोमिनेंट है. रिसेसिव या म्यूटेंट फॉर्म कौन सा है? ग्रीन एंड रिंकल. अब यहाँ पर अगर येलो येलो को कैपिटल वाई को मैं येलो ले रहा हूँ, इसको कैपिटल वाई को, स्मॉल वाई को ग्रीन ले रहा हूँ, कैपिटल आर को राउंड ले रहा हूँ, रिंकल को स्मॉल आर रहा. एक पेरेंट होंगे ये प्योर, यही बोल रहे हैं. ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग यानी एक पी वन ये होगा जहां पर ये राउंड और येलो एंड राउंड आएंगे क्रॉसिंग विथ ग्रीन एंड रिंकल स्मॉल आर. तो इनका जब क्रॉसिंग होगा तो ये क्या बनेंगे? हेटरोजाइगस. और ये एफ वन जनरेशन क्या आएगा? यहाँ पर कैपिटल वाई डोमिनेंट होगा स्मॉल वाई पर और कैपिटल आर डोमिनेंट होगा स्मॉल आर पर. तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या आएगा एफ वन में? येलो एंड राउंड. और अब इसका सेल्फिंग होगा एफ वन सेम. तो इसी तरीके से इनका सेल्फिंग एफ टू में सेल्फिंग, तो सेल्फिंग होंगे तो इससे कितने गैमेट बनेंगे? चार गैमेट बनेगा. तो एक इस तरफ हम लोग पनेट क्रॉसिंग कर सकते हैं, चार गैमेट. इनमें क्या बनेगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर. और इसी तरीके से इस तरफ चार, राइट, पनेट क्रॉसिंग, कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर. अब यहाँ पे बोल रहा है कि एफ टू जनरेशन में यहाँ पर कितने होंगे परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ग्रीन और रिंकल यानी होमोजाइगस रिसेसिव. यही होगा होमोजाइगस रिसेसिव. होमोजाइगस रिसेसिव सिर्फ यहाँ पर होगा, इस जगह पर, क्योंकि इस तरफ क्रॉसिंग होगा और यहां से ये, तब यहाँ पर क्या आएगा? स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, यही एक होंगे. तो आउट ऑफ 16 इस तरफ चार और इस तरफ चार, तो टोटल कितना होंगे प्रोजेनी एफ टू में? 16. 16 में से सिर्फ एक आ रहा होमोजाइगस रिसेसिव जो पूछ रहे हैं, तो 1/16. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? और परसेंटेज में पूछ रहा है यहाँ पर राउंड ऑफ टू डेसिमल परसेंटेज, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंटेज में आएगा. तो इसकी वैल्यू आएगी 6.25. होप सो कि ये समझा. तो
इसी के साथ में मैंने बॉटनी के 2020 गेट का कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं गेट लाइफ साइंसेस के किसी और सब्जेक्ट का डिटेल सॉल्यूशन करूंगा। तो अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और होप सो कि ये आप वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके गेट लाइफ साइंसेस या बायोटेक्नोलॉजी के प्रिपरेशन में। और अगर आप मेरे अभी तक यू मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।